हेलो स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं इंट्रोडक्शन टू सर्कल्स. ओके, सो सबसे पहले हमारा सर्कल होता क्या है. देखिए, मैंने ये एक सर्कल ड्रॉ करके रखा हुआ है. देखिए, ये मैंने किसी भी रेडियस लेके, यहां से रेडियस मेरा क्या होता है, कांस्टेंट डिस्टेंस. ठीक है, यानी कि सेम डिस्टेंस. देखो, यहाँ पे सभी पॉइंट से सेम डिस्टेंस आ रहा है मेरा. ठीक है, आप कहीं से भी मेजर करेंगे, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक अगर आप एक लाइन ड्रॉ करते हैं और उसका डिस्टेंस मेजर करते हैं इस पॉइंट, दोनों पॉइंट के बीच में, और यहाँ पे आप सर्कल का कोई पॉइंट लेते हैं, ये ये भी आपका क्या आएगा, सेम. यानी कांस्टेंट डिस्टेंस क्या होता है आपका, रेडियस. तो डेफिनेशन हम क्या कहेंगे सर्कल की, अ सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ, अ सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ All points in a plane which are at a constant distance from a fixed point. ठीक है, तो सर्कल क्या हो, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर एट कॉन्स्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट. यानी कि देखो यहाँ पे क्या है, फिक्स पॉइंट से ही है ना, यानी कि ये हमारा, मैंने अभी बताया था ये मेरा सेंटर है, और यहां से आप सर्कल का कोई भी पॉइंट लो, वहां पे इनका डिस्टेंस क्या होगा, कॉन्स्टेंट. तो आप क्या कह सकते हैं, रेडियस क्या होगी आपकी, एक कॉन्स्टेंट डिस्टेंस, ठीक है, फ्रॉम द सेंटर, वो क्या होगा आपका, रेडियस. अब हम पढ़ते हैं डायमीटर. डायमीटर क्या होता है आपका, ठीक है, इससे पहले हमें कोड जानना बहुत जरूरी है. कोड कोड पढ़ते हैं हम. कोड देखो, ये हमारे सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल के कोई भी एनी टू पॉइंट्स, जैसे ये हो गया मेरा और ये हो गया, इसको जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन करता है, ठीक है, वो क्या होती है, कोड होती है. क्या होती है, कोड. यानी कि लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स इज कॉल्ड कोड. ठीक है, यानी कि जहां पे भी एनी टू पॉइंट्स को जो ज्वाइन करता है वो मेरा क्या होता है, लाइन सेगमेंट. अगर इन लाइन सेगमेंट की लेंथ सेम है, सपोज ये मेरा ए बी 4 सेंटीमीटर का है और ये मेरा सी डी भी 4 सेंटीमीटर का है, तो इस सर्कल से दोनों इक्वी डिस्टेंस पे होगा. यानी कि इसका और इसका और सर्कल के बीच का डिस्टेंस, ना सॉरी, सेंटर के बीच का डिस्टेंस और इस कोड का सेंटर, ये दोनों डिस्टेंस क्या होंगे, सेम होंगे. यानी कि ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे. ओके, और जो हमारी कोड, जो लॉन्गेस्ट कोड होगी, वो कहां से जाएगी, सेंटर से. तो मेरी लॉन्गेस्ट कोड क्या होगी, डायमीटर. द लॉन्गेस्ट कोड क्या होगा, पहले तो हमारा अलाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन अ सर्कल इज कॉल्ड कोड. ठीक है, अब डायमीटर क्या होता है हमारा, डायमीटर, द लॉन्गेस्ट कोड, पासिंग थ्रू द सेंटर इज कॉल्ड डायमीटर. ठीक है, यानी कि द लॉन्गेस्ट कोड पासिंग थ्रू द सेंटर इज कॉल्ड डायमीटर. जो मेरी लॉन्गेस्ट कोड होगी और जो सेंटर से जाएगी वो हमारा क्या होगा, डायमीटर. इसके बाद हम पढ़ते हैं टेंजेंट. टेंजेंट देखो, ये हमारा सर्कल है. ओके, ये मेरी एक लाइन है. ठीक है, ये देखो कितने पॉइंट पे टच करेगी, एक ही पॉइंट पे टच करेगी ना. आप यहां से ड्रॉ करो या यहां से ड्रॉ करो, कहीं से भी टच कर ड्रॉ करो, ये एक ही पॉइंट पे सर्कल को टच करेगी. ओके, अ लाइन टचेस द सर्कल एट ओनली वन पॉइंट इज कॉल्ड टेंजेंट टू द सर्कल. अ लाइन टचेस द सर्कल ओनली एट वन पॉइंट इज कोल्ड टेंजेंट टू द सर्कल. ठीक है, टेंजेंट के बाद होता है आपका सीकेंट. ठीक है, सीकेंट,
जो इंटरसेक्ट ए लाइन इंटरसेक्ट द सर्कल इन टू पॉइंट्स। अगर देखो ये हमारी एक टेंजेंट है यानी कि लाइन ही है, ठीक है। अगर हम इस लाइन को अगर ऐसे अगर इसको लाइन को ये अगर अगर हम रोटेट भी करेंगे तो क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी ना सर्कल को टू पॉइंट्स पे। देखो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारी क्या है, सीकेंट्स है, यानी कि अ लाइन इंटरसेक्ट द सर्कल, अ लाइन इंटरसेक्ट द सर्कल इन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड सीकेंट ऑफ द सर्कल। यानी कि लाइन इंटरसेक्ट द सर्कल इन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड सीकेंट ऑफ द सर्कल। ओके, नेक्स्ट इज सेगमेंट। व्हाट इज सेगमेंट, ठीक है। अब देखो सपोज ये मेरा सर्कल है, ठीक है, और ये इसको टू पार्ट्स में, ये मेरी कोड है, ये हमारी कोड है ए बी, ठीक है। ये सर्कल है हमारा और ये कोड है ए बी। ये ए बी कोड क्या डिवाइड कर रही है, इस सर्कल को टू पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। क्या डिवाइड कर रही है, सर्कल को टू पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। यानी कि जो बड़ा वाला पार्ट है वो होगा आपका मेजर सर्कल, और जो ये छोटा पार्ट है ये है माइनर सर्कल, ठीक है। ये मेजर सर्कल है, ये माइनर सर्कल है, ओके। तो हम सेगमेंट क्या कह सकते हैं, कोड डिवाइड द सर्कल इन टू सेगमेंट्स। अब यहां पे हमने पी पॉइंट ले लिया, ये एल पॉइंट ले लिया, तो क्या होगा मेरा एक सेगमेंट ए बी पी ए, ए बी पी ए, ये तो हो गया हमारा माइनर सेगमेंट, ठीक है। और ए एल बी ए, ए एल बी ए, ये हो गया हमारा मेजर सेगमेंट, ओके। ये हमारा माइनर सेगमेंट हो गया, ये हमारा मेजर सेगमेंट हो गया। इसके बाद हम करते हैं सेक्टर्स। सेक्टर क्या होते हैं हमारे, ठीक है। सेक्टर हम इसी सर्कल से समझ लेते हैं, एक सर्कल है ये हमारा, ठीक है, और इसको ये टू रेडियस है, ये टू रेडियस, इसने क्या कर दिया, टू पार्ट्स में, ये एक पार्ट ये हो गया और एक पार्ट ये हो गया, ठीक है। जो स्मॉल वाला पार्ट होगा वो माइनर सेक्टर होगा, ठीक है, और ये वाला जो स्मॉल पार्ट है ये है हमारा माइनर सेक्टर, ठीक है। और ये जो पार्ट है ये वाला बड़ा, ये वाला, ये तो हमारे ये रेडियस है हमारी, और ये जो बड़ा पार्ट है ये हमारा हो गया मेजर सेक्टर। क्या हो गया, मेजर सेक्टर, ओके। सो द रीजन बाउंडेड बाय, द रीजन बाउंडेड बाय द टू रेडियाई, ठीक है, कुछ भी अब इसके हमने नाम ले लिया ओ ए ओ बी, ए ओ एंड ओ बी एंड आर्क ए बी इज कॉल्ड सेक्टर ऑफ द सर्कल, ठीक है। मैं इसको दोबारा डायग्राम बना देती हूँ। ये मेरा ओ है, ए है, ये हमारी रेडियस, ठीक है, ये है हमारा माइनर सेक्टर, ठीक है, और ये बड़े वाला है हमारा मेजर सेक्टर, ठीक है। ये हमारी अर्क है, यानी कि अर्क क्या होती है हमारी, अर्क होती है यानी पोर्शन ऑफ सर्कमफेरेंस, ठीक है, सर्कमफेरेंस का पोर्शन, ठीक है। अब हम ये हमारी अर्क है, ठीक है, अर्क होती है हमारी सर्कमफेरेंस, सॉरी एनी पोर्शन ऑफ, एनी पोर्शन ऑफ, ये हमारा क्या होता है अर्क, एनी पोर्शन ऑफ सर्कमफेरेंस, ठीक है, एनी पोर्शन ऑफ सर्कमफेरेंस। अब इससे सर्कमफेरेंस होता क्या है, देखो अगर हम इसको ऐसे समझे सिंपली, हम जो पेरीमीटर होता है, यानी कि सिंपली सर्कमफेरेंस इज
पैरीमीटर ऑफ सर्कल, ठीक है, क्या कह सकते हैं हम, सर्कमफेरेंस इज पैरीमीटर ऑफ सर्कल। और देखो जब हमने दूसरी फिगर्स, अगर हम दूसरी शेप की बात करें, लाइक अगर स्क्वेयर की बात कर लेते हैं हम, स्क्वेयर का अगर है हमारा, तो इसका पैरीमीटर क्या होगा, ये ए बी सी डी, इनकी सारी साइड्स को ऐड कर देंगे, यानी कि अगर ये फोर 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 है, ठीक है, तो सबको ऐड करके हमें क्या मिल जाएगा, हमारा पैरीमीटर, ठीक है, ऐसे ही ट्रायंगल में, ठीक है, रेक्टेंगल में, बट इसमें तो हमारा ऐसे कुछ फिगर नहीं होती सरकम सर्कल में। तो इसका फॉर्मूला है सर्कमफेरेंस कैलकुलेट करने का, सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला टू फाइंड सर्कमफेरेंस, ये होता है हमारा टू, ये सी है, ये ई e है, ओके, ये हमारा होता है टू पाए, लिखने ओके यहां लिख देते हैं, टू पाए आर, ओके, पाई क्या होता है हमारा, पाई होता है 22/7, ठीक है, एंड एरिया ऑफ सर्कल होता है हमारा, एरिया ऑफ सर्कल होता है हमारा पाई आर स्क्वेयर, ओके। इसके बाद हमारे कुछ थ्योरम्स है इस चैप्टर में, दो ही थ्योरम यूज होगी, उनके बेस पे आपका पूरा 10 पॉइंट एक्सरसाइज सोल्व हो जाएगी। फर्स्ट जो थ्योरम है हमारी, ठीक है, फर्स्ट थ्योरम क्या कहती है कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिक्यूलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, ठीक है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट कहा क्या होता है, जहां पे टेंजेंट और रेडियस मिलते हैं, ठीक है, सो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, ये मेरा सपोज एक सर्कल है, ठीक है, यहां से एक लाइन, ये हमारा एक टेंजेंट है, ठीक है, अब ये सेंटर से अगर कोई यहां पे रेडियस है, ठीक है, सॉरी ये हमारा रेडियस है इसके ऊपर टेंजेंट के ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, जैसे लाइक दिस ये है और ये क्या हो जाएगा, ये टच कर रहे हैं, टेंजेंट है ये हमारा, ठीक है, तो ये क्या हो गया परपेंडिकुलर हो गया। नेक्स्ट जो थ्योरम है इसमें क्या कहता है कि द लेंथ ऑफ टू टेंजेंट्स, टू टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, ठीक है, ये सर्कल है एक, ठीक है, ये टू टेंजेंट्स है, ओके, ये यहां पे ए पॉइंट हो गया, बी हो गया, सी, ठीक है, ये लेंथ ऑफ टू टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, हमने टू सर्कल टेंजेंट बनाई है इस पे सर्कल पे, ठीक है, तो इनकी जो लेंथ होगी ना यहां से जहां से टच करे यहां तक, ये इक्वल होगी, यानी कि सी ए विल बी इक्वल टू बी ए, ओके। इसके बाद हमारा एक कॉन्सेप्ट रह गया कॉन्सेंट्रिक सर्कल, वो पढ़ लेते, कॉन्सेंट्रिक सर्कल कोई नहीं कुछ नहीं होता, टू सर्कल्स जिनका सेम सेंटर होता है, ठीक है, यानी कि अगर मैं यहां से समझा देती हूँ, ठीक है, ये मैंने एक मेरा एक सर्कल है, ठीक है, इसी सर्कल के सेंटर से, ये सेंटर था हमारा, ठीक है, मैं एक और सर्कल बना देती हूँ, ठीक है, तो ये क्या हो गए हमारे कॉन्सेंट्रिक सर्कल, ओके ओके स्टूडेंट्स, हिट द बेल आइकन टू गेट ऑल दी वीडियोज, ओके बाय।